तो बार मैग्नेट्स के अंदर हमने ये सीखा कि एक बार मैग्नेट एक डायपोल मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। तो एक मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, एक बार मैग्नेट है, स्मॉल एम क्या है, पुल स्ट्रेंथ है, कैपिटल एम क्या है, डायपोल मोमेंट है, और डायपोल मोमेंट कैपिटल एम क्या होता है, स्मॉल एम इंटू 12, ये हमने किया हुआ है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। मतलब आप अब जो मैं तीन चीज़ें चार चीज़ें करवाने जा रहा हूँ वो एक्चुअल में आपने ऑलरेडी की हुई हैं, बस आपको दो तीन चीज़ें बड़े ध्यान से सुन लेनी है, उसके बाद तो बस सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, अपने माइंड में कुछ नहीं करना, ई को बी कर देना है, पी को एम कर देना है, काम खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे, इसको शुरू करने से पहले एक पॉइंट समझ लें ताकि गलती होने का चांस ही नहीं है, ताकि एक्सप्रेशन नया लगेगा ही नहीं आपको। देखो इसके अंदर पहला पॉइंट ये समझ लें कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो ये चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, कितनी, क्यू ई, और फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू ई। कोई डाउट इसमें, तो एफ इजिकल टू क्यू ई, क्लियर है यहाँ तक। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, एफ डिवाइडेड बाई क्यू से आया था, राइट। और क्यू को क्या बोलते थे, टेस्ट चार्ज। अब इस चैप्टर में आ जाओ, इस चैप्टर में जो काम स्मॉल क्यू करता है वो यहां पर पोल स्ट्रेंथ करती है छोटा एम। तो अगर एक पोल पड़ा हुआ है, वैसे एक एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंटली एक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पर हम ये टेस्ट पोल मानते हैं, इमेजिनरी टेस्ट पोल है। तो इमेजिनरी पोल है, और कौन सा पोल है, मान लो नॉर्थ पोल है। आप कहोगे सर नॉर्थ का साउथ होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ टेस्ट चार्ज है, ये की तरह टेस्ट पोल है, इमेजिन करना है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर एक पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ एम है और मैंने इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यू की जगह क्या आएगा, छोटा एम, ई की जगह क्या आएगा, बी, तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगी, एम बी। तो सेम चल पड़ा, स्मॉल क्यू की जगह स्मॉल एम है, ई की जगह बी है, फोर्स की जगह फोर्स है। तो इसका मतलब बी निकालने का फॉर्मूला क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ पोल स्ट्रेंथ, तो एफ बाई क्यू की जगह एफ बाई एम हो गया। कोई डाउट इसमें, तो पहला कंपैरिजन क्लियर है, तो क्यू की जगह इस चैप्टर में क्या कर देना है, छोटा एम, और ई की जगह क्या कर देना है, बी कर देना है। और उसी तरीके से अगर आपको ये याद हो कि अगर दो चार्जेस हैं क्यू वन एंड क्यू टू सेपरेटेड बाय आर, तो हमने क्या किया था, कूलम फोर्स क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। इसके अंदर दो पोल्स हैं, एम वन एम टू पोल्स हैं, और इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू कितना, एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई आर। सेम है ना, क्यू वन क्यू टू की जगह एम वन एम टू, बस सही है। और याद करो ई का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां पर बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 μ0 / 4π, बोलो क्यू की जगह स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जैसे ई चल रहा है वैसे बी चल रहा है, जैसे क्यू चल रहा है वैसे छोटा एम चल रहा है। तो मैंने कुछ ना किया, मैं तो रिप्लेसमेंट ही करती है। अब देख रहे हो एक चीज, तो अगर आपको ये रिप्लेसमेंट समझ में आ रही है तो देखो कुछ नहीं करूंगा, अगले 15 मिनट से रिप्लेसमेंट करता जाऊंगा। वो कह रहा है कि एक बार मैग्नेट लो, एक मैग्नेटिक डायपोल लो, एक बार मैग्नेट लो, ये मैग्नेटिक डायपोल है, स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2L है, ये इसकी एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर नेट बी निकालो क्या होगा। याद करो सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सियल लाइन के ऊपर क्या निकालने को कहा जाता था, ई निकालने को कहा जाता था। यहां पर एक्सियल लाइन में क्या निकालने को कहा जा रहा है, बी निकालने को कहा जा रहा है। कोई डाउट इसमें, तो एक्सियल लाइन पे बी निकालें। तो रूल नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या एज्यूम करते थे, जहां आपको ई निकालना है वहां इमेजिनरी टेस्ट चार्ज +1 रख दो, ऐसे ही था। इसके अंदर भी सेम है, जहां आपको बी निकालना है वहां इमेजिनरी टेस्ट चार्ज नहीं, टेस्ट पोल रख दो, टेस्ट पोल जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसका मैग्नीट्यूड पोल स्ट्रेंथ कितनी है, 1 लेनी है। और प्लस का मतलब यहां पर क्या लिया जाता है, नॉर्थ, तो इमेजिनरी नॉर्थ पोल रख दो जिसकी पोल स्ट्रेंथ 1 है। ये इमेजिनरी है, अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, ये टेस्ट पोल है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट पोल है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो जहां पे ई निकालना है वहां +1 रख दो, जहां बी निकालना है वहां नॉर्थ पोल रख दो, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ 1। अब ये बताओ ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल।
तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में बी भी लगेगा ई की तरह, तो बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ क्या है इसकी एम डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एल है, तो ये डिस्टेंस कितना है आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उसी तरीके से ये साउथ पोल इस नॉर्थ को क्या करेगा अट्रैक्ट, और बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ इसकी भी स्मॉल एम है, डिवाइडेड बाय ये एल है ये आर है, तो क्या बनेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये शीट मैंने अपने हाथ से क्यों नहीं लिखी, इलेक्ट्रिक फील्ड की शीट उठाई कंट्रोल एफ कंप्यूटर का लगाया और लिखा जहां ई है वहां ना बी रिप्लेस कर दो, जहां क्यू है वहां एम रिप्लेस कर दो, और मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, सच में कह रहा हूं मैं ऐसा ही किया है। आप मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर को खोल लो और इसको खोल लो, बिल्कुल एक एक स्टेप सेम मिलेगा, मैंने कुछ टाइप तक भी नहीं किया, इतना सेम है, आप देखो कंप्यूटर तक भी पूरी असाइनमेंट बना सकता है, तो इसमें तो आप तो बना ही लोगे, तो कुछ करना ही नहीं इसमें, एक बी निकाला दूसरा बी निकाला, ये वैल्यू बड़ी है ये वैल्यू छोटी है, बड़ी में से छोटी माइनस कर दिया, कॉमन निकाल लिया, एलसीएम ले लिया, ये टर्म आ गई, 4 को 2 इंटू 2 लिख लिया, स्मॉल एम इंटू 2L, स्मॉल एम इंटू 2L क्या होता था कैपिटल एम, याद है डायपोल मोमेंट, तो ये फॉर्मूला आ गया एक्सियल लाइन पे। फिर शॉर्ट डायपोल में क्या होता था एल छोटा है तो एल को निगलेक्ट कर दो आर बड़े, तो ऐसे कि इसमें याद करो ये फॉर्मूला, तो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला लगता था, उसमें फॉर्मूला क्या आता था 1/4πε0 2π/r³, इसमें 2M/r³, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, लिख सकते हो फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर एक्सियल लाइन पे, ये फॉर्मूला है पी का, एक्सियल लाइन पे ये फॉर्मूला है पी का। कोई डाउट इसमें,